बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 12.6 क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन एन ऑप्टिशन टेस्टिंग रूम इज स्मॉल, ही यूजेज अ मिरर टू हेल्प हिम टेस्ट द आई साइट ऑफ हिज पेशेंट्स, एक्सप्लेन व्हाई। कि अगर एक ऑप्टिशन है, ठीक है, उसका जो टेस्टिंग रूम है वो छोटा है, तो वो अपने पेशेंट को आई साइट चेक करने के लिए वो मिरर यूज़ करता है, तो ऐसा क्यों करता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि ऑप्टिशन रूम इज स्मॉल देन फॉर टेस्टिंग द पेशेंट्स आई साइट ओरिजिनल वर्ड्स आर प्लेस्ड एट द बैक साइड ऑफ द पेशेंट एंड मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट साइड ऑफ द पेशेंट। तो अगर कमरा छोटा हो तो वो क्या करता है, पेशेंट के आईज के साइड चेक करने के लिए क्या करता है कि उसके जो एक्चुअल वर्ड्स हैं जिनको वो दिखाना चाह रहा है कि ये चेक करें कि वो क्लियर नज़र आ रहे हैं या नहीं, उन वर्ड्स को बैक साइड पे रखता है उसके और सामने जो है मिरर रख देता है। ठीक है, सो द इमेज ऑफ वर्ड्स इज़ फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस डबल देन द साइज ऑफ रूम। तो जो इमेज बन रहा होता है उन वर्ड्स का उस मिरर में, वो क्या होता है, वो रूम के साइज से डबल बन रहा होता है। ठीक है, रूम के साइज से डबल बन रहा होता है और इससे फिर जो है आई साइट चेक हो जाती है, मतलब हमें वो उसको वो वर्ड्स जो है दूर नज़र आ रहे होते हैं ना उस मिरर के थ्रू। वैसे तो कमरा छोटा है तो सामने वर्ड्स होंगे तो करीब नज़र आएंगे, तो उससे फिर आई साइट सही से चेक नहीं हो सकेगी। तो क्या करेंगे कि वो मिरर इसलिए यूज़ करेंगे कि वो वर्ड्स जो हैं वो डिस्टेंस उसका ज़्यादा नज़र आए। ठीक है, रूम के डिस्टेंस से ज़्यादा उनका डिस्टेंस नज़र आए तो इससे आई साइट चेक हो जाएगी कि उसकी जो आई साइट वीक है दूर की या नहीं वीक। ठीक है, तो ये इसलिए मिरर यूज़ करते हैं। फिर 12.7 क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डज़ द थिकनेस ऑफ अ लेंस अफेक्ट इट्स फोकल लेंथ। कि किस तरह लेंस की थिकनेस फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रही होती है या अफेक्ट कर रही होती है, और ये पीछे हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा भी है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है कि थिक लेंस जो होते हैं वो हैज़ शॉर्ट फोकल लेंथ। ठीक है, उनकी फोकल लेंथ कम होती है, थिक लेंस जो होते हैं उनकी फोकल लेंथ कम होती है और थिन लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, इस तरह इफेक्ट करती है। तो फिर 12.8 क्वेश्चन आ जाता है, अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। के कौन सी कंडीशन के तहत हम कहते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस वर्चुअल इमेज बना रहा है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस वर्चुअल इमेज कौन सी कंडीशन के तहत बनाता है, तो इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में मौजूद हो तो हम इमेज कहते हैं कि वो वर्चुअल बना है और इरेक्ट बना है और लार्ज इन साइज बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से साइज में लार्ज बनता है और वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक है, जब प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में ऑब्जेक्ट मौजूद हो। दूसरा आ जाता है कि अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ रियल इमेज। कौन सी कंडीशंस के तहत कन्वर्जिंग लेंस रियल इमेज बनाता है। ठीक है, दैट इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज में होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 2f फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अगर ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस 2f डिस्टेंस पे मौजूद हो ऑप्टिकल सेंटर से, तो कन्वर्जिंग लेंस जो इमेज बनाएगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड और सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 2f डिस्टेंस पे अगर मौजूद होगा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से, तो तब जो है वो रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट 12.10 क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी यूज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विद लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। कि हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्यों यूज़ करते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा हो और उसके लार्ज फोकल लेंथ हो। ठीक है, ये क्यों यूज़ करते हैं, तो इन टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या उसको देखने के लिए जो है हम ऑब्जेक्टिव लेंस जो है बड़ी फोकल लेंथ वाला लेते हैं। ठीक है, मतलब लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा रियल इमेज बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है और डिमिनिश्ड बनाता है एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस के प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, ठीक है, एफ नॉट के ऊपर जो है वो इमेज बन रहा होगा। दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट
फॉर द आई पीस, ठीक है, वही जो टेलीस्कोप का प्रोसीजर है कि वो ऑब्जेक्ट आई पीस के लिए एज अ सॉरी वो इमेज जो है एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा आई पीस के लिए, आई पीस लेंस के लिए, फिर जो है वो आई टू इमेज बनाएगा, बड़ा वर्चुअल इमेज बनाएगा और लार्ज डिस्टेंस पे बनाएगा, ठीक है। तो इसका मैग्निफिकेशन है इसकी एफ नॉट ओवर एफ ई, ठीक है, ये हमने पीछे टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ कर ली है।